हेलो फ्रेंड्स आई एम मंकित स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मंकित सेवेंटी टू क्लासेज पर जैसा कि आप सभी को पता है हमारी सीरीज़ चल रही है अभी बायोलॉजी की तो इसमें आपका देखिए पार्ट फाइव है आज टारगेट ट्वेंटी ट्वेंटी वन एम एन एस ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए ठीक है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और इससे पहले के चार पार्ट और आपको मिल जाएंगे और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए भी आपकी अलग अलग प्लेलिस्ट है आप उनमें देख सकते हैं ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो वो भी आपको दे दिए गए हैं और साथ में करंट अफेयर्स की क्लासेज आपकी इंग्लिश की क्लासेज जो भी क्लासेज आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं हम आपको वो सभी उपलब्ध करवा देंगे और जितना हो सकता है मैक्सिमम चाहे हमें एक दिन में दो से तीन वीडियो भी पोस्ट करनी पड़े मैक्सिमम भी करनी पड़े बट जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसके बेस पर हम ये कंप्लीट करते रहेंगे ठीक है और आपका अभी ट्वेंटी एट का एग्जाम है उससे पहले अगर आपकी जिस भी सब्जेक्ट को आपके आपको चाहिए कोई भी मटेरियल आप हमें बता दीजिए हम उसकी वीडियो प्रोवाइड कर देंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक में शेयर कीजिए इससे पहले हमने किए थे 175 क्वेश्चन पर थे अब क्वेश्चन नंबर 170 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 176 ठीक है तो एक क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं वेन अ पर्सन आफ्टर अ सर्टन डिग्री ऑफ एक्स्टर्स सफर्स फ्रॉम पेन इन द चेस्ट और बिलो द कोलर बोन्स इन द इवेंट्स ऑफ इन एडिकेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल्स ही इज सेड टू ऑफर फ्रॉम येस राइट आंसर क्या होगा इसके लिए इसके लिए राइट आंसर होगा सी क्या राइट आंसर होगा भाई इसके लिए सही आंसर क्या है एंजीना पैक्टोरिस ओके और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब उसके बाद बात करते हैं अनवान्टिड यस अनवान्टिड साउंड क्रिएट्स नॉइज पोल्यूशन एंड इट्स यूनिट इज डेसीबल प्रोलोंग्ड एक्सपोजर ऑफ नॉइज लेवल ऑफ हाउ मैनी डीबी डेसीबल मे ग्रेजुअली लेड टू परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग एबिलिटी तो क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी सेवन के लिए राइट आंसर विल बी सी एट्टी डी बी से ऊपर यस अगर एट्टी डी बी से ऊपर है देन इट कैन बी परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग एबिलिटी इट कैन लेट परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग एबिलिटी ओके नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर एक सौ अठहत्तर वन सेवेंटी एट क्वेश्चन देख लीजिए वट्स हैप्पन्स वट हैपन्स ई ईच डे वेन द लीफ ऑफ ए प्लांट इज फर्स्ट एक्सपोज टू लाइट जब वो प्रकाश के सामने आता है किसी भी एक पौधे का पत्ता क्वेश्चन नंबर वन सेवनटी एट राइट आंसर विल बी डी दार्ड सेल्स बिकम्स मोर ट एंड द स्टोमेटल अपर ओपन देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर है आपका वन सेवनटी नाइन यस वन सेवन नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द मोस्ट एस्टिमेट ऑफ वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी राइट आंसर विल बी यस राइट आंसर होगा इसका ए ऑफ अबाउट टेन मिलियन स्पीसीज प्रोबेबली अलाइव टूडे सम्वेंटी स्पीसीज आर लोस्ट एवरी डे most of them unknown because no more than half a million have yet been actually identified by scientists the next one aapka question hai aapka next question number 180 180 biologically marriage should be avoided in between kin ke beech mein marriage नहीं होनी चाहिए किन का विवाह विवाह नहीं होना चाहिए. तो क्वेश्चन नंबर 180 yes right answer will be d rh positive male and rh negative female बहुत जरूरी ध्यान रखना होता है कि आर एच पॉजिटिव का आर एच नेगेटिव फीमेल के साथ विवाह ना हो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर वन एट्टी वन अ डिसऑर्डर विच इज लिंक्ड टू द वाई क्रोमोसोम इन हुमेंस ओके विल क्वेश्चन नंबर वन एट्टी वन के लिए राइट आंसर विल बी यस डी बी पास्ड ओनली फ्रॉम फादर टू सन कहाँ से कहाँ तक होगा सिर्फ फादर से सन तक ठीक है देन नेक्स्ट वन वन टू क्वेश्चन नंबर वन टू है आपका डॉग कैन समॉल अ ब्रीडिंग बीच फ्रॉम ऑलमोस्ट वन किलोमीटर दिस इज ड्यू टू देखिए पूछा गया है कि जो कुत्ता होता है वो एक किलोमीटर दूर से भी पहचान लेता है किसी की भी सुगंध को गंध को कारण क्या होता है वन टू तो रीजन क्या होगा भाई इसका रिलीज ऑफ सेक्स फिरमोन्स बाय द बिच ड्यूरिंग ब्रीड ब्रीडिंग द नेक्स्ट वन नॉर्मल अडल्ट हुन मेल हैज अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर वन एट्टी थ्री नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन मेल हैज तो एक सौ तिरासी क्वेश्चन नंबर एक सौ तिरासी बी विल बी द राइट आंसर फोर्टीन ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन हंड्रेड ग्राम ऑफ ब्लड पर हंड्रेड ग्राम ऑफ ब्लड मोस्ट फिश डू नॉट सिंक इन वाटर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द विल फॉलोइंग देन यहाँ देख लीजिए ओके वन एट्टी फोर एक सौ चौरासी ए विल बी द राइट आंसर ए फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट स्विम ब्लैडर और एयर ब्लैडर इसकी वजह से दे नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर वन एट्टी फाइव एक सौ पिचासी नंबर क्वेश्चन सेक्रिफिकेशन ऑफ सीड्स इज डन फॉर रिमूविंग या सैक्रीफिकेशन ऑफ सीड क्यों किया जाता है भाई क्या रिमूव करते हैं हम उसके अंदर से डोरमेंसी क्या करते हैं डोरमेंसी नेक्स्ट वन द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ एनारोबिक रिएक्शन इन ईस्ट इज अगर ईस्ट के अंदर हम बात करें ठीक है तो राइट right मेथड क्या होगा भाई एनारोबिक रिएक्शन का तो ये देख लीजिए ग्लूकोज साइटोप्लाजम की प्रेजेंस में पायरोवेट की प्रेजेंस में एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड फिर है क्वेश्चन नंबर 187 आपको बताना है स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रेस्पिरेसन विच वन ओके क्वेश्चन नंबर एट्टी सेवन दैन यहाँ देख लीजिए एट्टी सेवन के लिए डी विल बी द राइट आंसर डी इट मीन्स सेकेंड एंड फोर्थ सेकंड क्या है एलविलई एक्सचेंज ऑफ गैसिंग टेक प्लेस ऑक्सीजन फ्रॉम एलवियोर एल्वियर एयर डिफ्यूजी इंटू ब्लड एंड कार्बन डाईऑक्साइड फ्रॉम ब्लड इंटू एलवर एंड नेक्स्ट वन इज एलवोई इंक्रीज द फेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ देन क्वेश्चन नंबर वन एट्टी एट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर वन एट्टी एट ये आपके सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट हार्ट ये चार स्टेटमेंट दी हुई है चारों को रीड कर लीजिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए तो यहां से देख लीजिए वन एट्टी एट था सी विकेंड एंड फोर्थ जो भी वहां ऑप्शन था भाई सेकेंड एंड फोर्थ देखिए दिखाई देता हूँ मैं आपको सेकेंड एंड फोर्थ ये देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल दिस वन एंड दिस वन पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट वाइल राइट वेंट्रिकल पम्प्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंगस राइट एट्रियम रिसीव डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी वाइल लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ये हो गया हमारा नेक्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द नोम्स इन विच मोस्ट प्लान्टव नाइट्रोजन क्वेश्चन नंबर वन एट्टी नाइन ओके राइट आंसर विल बी वन एट्टी नाइन के लिए बी सेकेंड एंड थर्ड क्या नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स चाहिए ठीक है और यूरिया चाहिए ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कलेक्शन ट्रू और करेक्ट क्वेश्चन नंबर वन ओके राइट आंसर विल बी सी वन एंड फोर वन एंड फोर प्यरोट कैन बी कन्वर्टेड इन टू इथोनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाई ईस्ट फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन द नेक्स्ट वन वन नाइन्टी वन यस क्वेश्चन नंबर वन ये है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू वन नाइन्टी वन के अंदर एंड राइट आंसर विल बी सी यस सी देख लीजिए फर्स्ट एंड फोर्थ फर्स्ट एंड फोर्थ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर वन नाइन्टी टू विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द ब्रेन वन नाइन्टी टू यस देन सी विल बी द राइट आंसर सी कैसे देखिए सेकेंड एंड थर्ड दिया ना सेकंड देखिए सेंटर्स ऑफ हियरिंग स्मेल मेमोरी साइट आर लोकेटेड इन फोर ब्रेन ओके एंड व्हाट वाज नेक्स्ट इन्वेलट्री एक्शंस लाइक सेलिवेशन वोमिटिंग ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला इन द मिडल ब्रेन इन ब्रेन सॉरी नेक्स्ट वन ये रहा वन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ स्प्रिंग फोर्म्ड बाय ए सेक्सुअल मेथड ऑफ

इसके लिए राइट आंसर विल बी सी फर्स्ट एंड सेकेंड लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिशन इन ब्रेड 194 फोर ओके देन नेक्स्ट वन विच अमंग द इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टी वन नाइंटी फाइव राइट आंसर विल बी सी थर्ड एंड फोर्थ डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा सिक्रिएशन ऑफ इस्ट्रोजन दैन न्यू स्पीसीज मे बी फोम ड्रिव न्यू स्प स्पीसीज क्वेश्चन नंबर वन नाइंटी सिक्स येस मे बी फोम ड्रिफ वन नाइन्टी सिक्स ए विलइट आंसर फर्स्ट एंड सेकेंड डी एन ए अंडरगोज सिग्निफिकेंट चेंजेस इन जर्म सेल्स क्रोमसोम्स नंबर चेंजिज इन द जमेट सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर वन नाइंटी सेवन येस Then write it will be the yes, it will be wrong statement reduction in weight of organism due to starvation is generally controlled genetically. bhai, next one, then check this, select the statements that describe characteristics of genes. Okay, 198. Question number 198. Yes, B will be the right answer. First and third, first, third genes are specific. सिक्वेंस ऑफ बेसिस इन डी एन ए मोलिक्यूल इन इंडिविजुअल्स ऑफ ए गिवन सेंटेंस अ स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम द नेक्स्ट वन यस वन नाइंटी नाइन एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ वुमेन टू यू वी रेज रिजल्ट क्वेश्चन नंबर वन नाइंटी नाइन यस सी स्किन कैंसर द नेक्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द पी एच ऑफ वॉटर सैम्पल कलेक्टेड फ्रॉम अ रिवर ओके वॉज फाउंड टू बी एसिडिक इन रेंज ऑफ थ्री पॉइंट फाइव टू फोर पॉइंट फाइव ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर वर सेवरल फैक्ट्रीज इफ दे वर डिस्चार्ज इन्फ्लुएंट इन्फ्लुएंटली इन टू द रिवर द इफ्लुएंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन द मोस्ट लाइकली कोज़ फॉर लोवरिंग द पी एच ऑफ रिवर वॉटर ओके क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड लास्ट क्वेश्चन आपका राइट आंसर विल बी सेकेंड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग रेगुलरिटी। ओके okay. then नेक्स्ट वन मैं आपको बता दूं अगर आप अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए वीडियो को लाइक वैंड शेयर जरूर करें और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अभी इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक में शेयर करें और कमेंट में आप ज़रूर बताएँ कि आपको क्या सब्जेक्ट चाहिए धन्यवाद